हेलो दोस्तों, बाइक मैकेनिक राइडर चैनल पर आपका स्वागत है। एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया, सर जी ये जो बाइक की चेन होती है ये कब बदलना चाहिए और बदलनी है या नहीं, ये कैसे पहचानना है? यानी बाइक की चेन खराब हुई है उसको बदलना है या नहीं, ये कैसे पहचानना है, हमें कैसे जान लेना है? उसके अलावा बाइक की चेन अगर बदलनी है तो कब बदलनी है, ये सवाल उसने पूछा है, कमेंट किया है। तो इसके बारे में मैंने सोचा एक वीडियो बना दे। उसने मुझे कमेंट किया है कि वीडियो बना दी, तो मैंने उसको वायदा किया है कि कल मैं वीडियो अपलोड करूंगा, इसके लिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को चेन बताना चाहता हूँ दोस्तों। ये बाइक की चेन है, ये साइड स्टैंड को मैं नीचे कर रहा हूँ दिखाने के लिए। ये बाइक की चेन है, आप जितने भी चेन खराब क्यों होती है आप देखते हैं, ये एक इंच ढीली होनी चाहिए, हमेशा चेन एक इंच ढीली होनी चाहिए, ना टाइट होना चाहिए ना लूज होना चाहिए। चेन कभी भी टाइट नहीं रखनी है, टाइट रखेगी तो आप गियर अप करेंगे यानी कब गियर बढ़ाओगे तो चेन टूट सकती है कभी भी। तो गियर को एक इंच रखना है, ना ज्यादा ढीली रखनी है, ज्यादा लूज भी नहीं चाहिए, ज्यादा टाइट भी नहीं चाहिए। अभी मैंने बताया वैसे एक इंच अंदाजा लूज होनी चाहिए क्योंकि गियर चेंज करते रहते हैं। तो एक बात है, चेन आपकी सालों साल टिकेगी, लोहा कभी भी बुरा नहीं होता है या कभी भी खराब नहीं होता या लोहा कभी भी मरता नहीं है, है ना। लोहा कब मरेगा यानी कब खराब हो जाएगा, जैसे आप देखते लोहे से जो भी चीज बनी है उसको जंग कब पकड़ेगा, है ना, जो गंज बोलते जंग, कब रश कब पकड़ेगा, जब हवा के अंदर जो ऑक्सीजन होता है या पानी ज्यादा से ज्यादा मिक्स होने की वजह से लोहा खराब हो जाता है, रस्टिंग हो जाए। अगर हम लोग को पता है, अगर तेल हम लोग इसको मेंटेनेंस करते हमेशा ऑयलिंग करते लुब्रिकेट करते चेन को, तो चेन को लुब्रिकेट करने की वजह से जो भी ऑक्सीजन है इसका ऑक्साइड नहीं बने, जो फेरस ऑक्साइड बोलते है, लोहे को साइंस के लैंग्वेज में फेरस बोलते है, भले से हम लोग आयरन बोलते है लेकिन जो लैटिन ग्रीस लैंग्वेज है उसमें हम लोग फेरस बोलते हैं। तो फेरस ऑक्साइड जो बनने वाला है केमिकल रिएक्शन बनके वो बनेगा नहीं कभी, अगर आप मेंटेनेंस अच्छा रखते तो। तो मेंटेनेंस अच्छा रखने के लिए आप लोगों को हमेशा चेन को लुब्रिकेट करना चाहिए। कोई भी जैसे मैं इंजन ऑयल चेंज करते रहता तो मेरा जो जूना इंजन ऑयल है उससे मैं हमेशा लुब्रिकेट करता, कोई भी लुब्रिकेट का ऑयल डाल सकते, यही चाहिए वही चाहिए ऐसा कुछ मतलब नहीं है। जो इंजन ऑयल आप लोग चेंज करते उस समय जो वेस्टेज गया जो इंजन ऑयल है वही संभाल के रखना है, वो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में डालते हैं। एक एक हफ्ते में संडे को सर्विस करते रहने का, मैं संडे को सर्विस करते रहता है वही लुब्रिकेट करने का, भले से यही चाहिए वही चाहिए, पैसा ज्यादा खर्चा ना करे। मैंने तो कभी दूसरा फ्लक्स के लिए लेके नहीं आया इंजन ऑयल वगैरह, इंजन ऑयल डाला जो बचा है उससे मैं लुब्रिकेट करता हूँ हमेशा, है ना। इसके बारे में मैंने वीडियो भी बना दिया है, वो भी आप देख सकते हैं। अभी मैं आप लोगों के यहाँ पे बताना चाहता हूँ, आप देख सकते हैं ये लुब्रिकेट किया चेन है, चमक रहा है, चमक रहा है यानी लुब्रिकेट है, इसको कभी भी ऑक्साइड यानी फेरस ऑक्साइड जंग नहीं पकड़ने वाला है, कभी खराब नहीं हो गई। मेरे बाइक अभी 6 साल पुराने हो गए, 40 साल होने के बाद भी आपकी चेन खराब नहीं होगी अगर आपने चेन का मेंटेनेंस सही मात्रा में रखा है तो, 40-45 कितना भी साल हो चेन खराब नहीं होगी। और एक इंच लूज होनी चाहिए, टाइट नहीं होनी चाहिए, लूज नहीं होनी चाहिए। आप मेंटेनेंस कैसे रखते हैं, कैसे गियर चेंज करते समय कैसे चेन को इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड होता है। यहाँ पर मैं आप लोगों को लॉक बताना चाहता हूँ चेन का, जाओ लॉक बताना चाहता हूँ, लॉक कहाँ पर है देखते, हाँ ये वाला है, नजदीक से दिखाना चाहता हूँ, ब्लू कलर रखा है लॉक, इसको अगर हम लोग प्लायर से अगर दबा के खींचते तो निकल जाएगा, ये निकलने की वजह से पीछे का भी निकल देने का चेन निकाल सकते। चेन लूज हो गई थी मेरी एक बार, उसको टाइट करने का मैंने वीडियो अपलोड किया है, वो आप जाके देख सकते हैं। एक इंच चेन होनी चाहिए ये हिसाब से दोस्तों। जो सप्लायर ने मुझे कमेंट किया वो भी देख सकता है, और बहुत से जनों की ऐसी छोटी छोटी बात होती है लेकिन बड़े काम की बात रहती है, लेकिन किसके दिमाग में ये बात आती नहीं क्या क्या, छोटी छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात, इसके लिए मैं वीडियो बनाते रहता है। जो भी कमेंट मुझे आता है इसके ऊपर मैं वीडियो बनाते रहता है।
तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, चेन कभी भी खराब नहीं होती है। खराब तब होगी जब आप उसका गैर वापर करेंगे, तो सही मात्रा में उसको लूज नहीं रखेंगे, सही मात्रा में अगर मेंटेनेंस नहीं करते, सही मात्रा में अगर लुब्रिकेट नहीं करते तो चेन खराब होगी, नहीं तो चेन खराब नहीं होगी। और एक तरीका है चेन खराब होने का, मैं आप लोगों को, क्योंकि वो वीडियो का विषय नहीं लेकिन बताना चाहता हूँ। दो ये स्पोक आप देख सकते हैं, ये वाला व्हील का स्पोक, ये अगर खराब होता है, ये खराब, तो उसको काटेगा तभी चेन खराब होती है। तो इसको भी देखना है, ये अगर ठीक से है, ये वाला, ये जो व्हील घूम रहा है ना, ये अगर ठीक से है, इसका पॉइंट देखना है, पॉइंट, इसका पॉइंट अगर खराब हो गया, पॉइंट चला जाएगा इसका, है ना, पॉइंट खराब जाएगा तो चेन का जो बीच का हिस्सा वो खराब हो जाएगा। यानी मतलब लोहा कभी भी मरता नहीं है, उसको मरने के लिए हम लोग ऑक्साइड करेंगे तो ये वो मरेगा, यानी जंग लगेगा। ये बात होती है, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। इस प्रकार की छोटी छोटी बात लेकिन बड़े काम की बात मैं हमेशा आप लोगों के लिए लेके आती रहता है। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक करें, शेयर करें, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें। आपने मेरा वीडियो देखा, जय हिंद।